इस सवाल में इसको हमने प्रूफ करना है, और जो पार्ट्स दिए गए वो गिवन है, यानी इसको हमने मुख्तलिफ जो थ्योरम्स हमने पढ़े उस पर अप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें कन्वर्ट करना है। समझ गए? तो ज़रा देख इसको डायरेक्ट, ये जो सवाल गिवन है इसी पर मैं क्या अप्लाई करूँगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ये डिवाइडेंडो थ्योरम, बेशक आप इसको एक मरतबा लिख ले फिर उसके बाद अप्लाई कर ले, अभी चूंकि टाइम नहीं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये देखिए कंपोनेंडो में क्या है, ये न्यूमरेटर ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर जमा डिनोमिनेटर दिस वन ए सी स्क्वायर प्लस बी डी, ये फिर नीचे यही न्यूमरेटर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा डिवाइडेंडो में माइनस, फिर ए सी ये चीज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी, ये काम करना है। इसी तरह इस साइड में भी सी क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस, ये क्यूब है, प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये कंपोनेंट हो फिर डिवाइडेंट हो, इसी तरह इसको ये वाला सी क्यूब माइनस डी क्यूब यहाँ पर माइनस, समझ में आई बात, न्यूमेरेटर जमा डिनोमिनेटर ये कंपोनेंट हो फिर न्यूमेरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस डिवाइडेंडो। अब देखिए ब्रैकेट ख़त्म कर ले, तो ए सी स्क्वायर प्लस माइनस बी डी स्क्वायर ये चीज़ प्लस, तो चूंकि प्लस है साइन इनका सेम रहेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा ज़रा देख ले, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी, यहाँ पर यह साइन चेंज करेगा, ए सी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह सी क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, नीचे सी क्यूब एस इट इज डी क्यूब, इसी तरह अब यहाँ पर चूंकि माइनस से ये अंदर वाली जो रकमें उनका साइन चेंज होगा, सी क्यूब ये प्लस इंटू माइनस माइनस डी क्यूब, क्लियर। अब इसमें आप देख ले, ये देखिए ये माइनस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हुआ कट गया, बाकी क्या बचा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कितना टू ए सी स्क्वायर, दो ए सी स्क्वायर, एक ये जमा हुआ। नीचे आप देख ले, नीचे यहाँ पर देखे आप, ये प्लस ए सी है, ये क्या है माइनस ए सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो लेकिन अलामत वही माइनस किया जाएगी, कितना माइनस टू बी डी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख ले, चलो यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पर आप देख ले ये डी डी क्यूब से कैंसिल, तो क्या बचा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो सी क्यूब, सॉरी सी क्यूब प्लस सी क्यूब। नीचे आप देख ले, नीचे क्या हुआ देखिए, सी क्यूब माइनस सी क्यूब ये दोनों कैंसिल, तो माइनस डी क्यूब माइनस डी क्यूब कितना आ गया माइनस टू डी क्यूब, क्लियर। अब देखिए ये दो इस दो के साथ कैंसिल, समझ गए, और माइनस का आप देख ले, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हुआ, दोनों तरफ से माइनस को हमने क्या किया कैंसिल किया। अब आगे देख ले बाकी क्या बचा, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इस तरफ क्या बचा सी क्यूब, अच्छा ए भी बच गया, ए और पी डी ये चीज, यहाँ पर क्या बचा क्लियर आता, दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ, ए सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर इक्वल्स सी क्यूब अपॉन डी क्यूब, देखे यहाँ पर ए सी स्क्वायर एज इट इज बी डी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर आप देखिए इस सी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं सरल लिख सकता हूँ, कोई एतराज़ तो नहीं,
दोबारा इनको जमा कर ले, पावर यही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह डी क्यूब, डी क्यूब कब ले सकते हैं, इस तरह डी स्क्वायर। ये मैं रीज़न बताऊँ, मसलन सी क्यूब को आप इस तरह लिख सकते हैं कि सी इंटू सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोबारा अगर आप इन दोनों की पावर को जमा कर लिए, ये इस तरह आप यूँ समझें कि वन प्लस टू इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको सेपरेट आप कर सकते हैं सी स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, दोबारा इनको मल्टीप्लाई कर ले तो वापस सी क्यूब आ जाएगा। तो इससे हुआ क्या, देखें ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर के साथ कट गया, बाकी क्या बचा, देखें ए बटा बी सी बटा डी। तो इसको हम सरल लिख सकते, इसका मतलब है ए रेशो बी इक्वल्स सी रेशो डी। इसी को हमने क्या करना था, हाँ प्रूफ करना था, बिल्कुल। बाकी सारे सवाल जी, हाँ सॉरी ए स्क्वायर, बिल्कुल सही। सही,